आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। देहरादून 26 अगस्त 2022 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को एम्स ऋषिकेश में PICU बाल रोग गहन चिकित्सा इकाई का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि PICU के शुभारंभ से छोटे बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने एम्स ऋषिकेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उम्मीदों का केंद्र बताया। उन्होंने कहा, एम्स ऋषिकेश के प्रति लोगों में अपेक्षाएं और विश्वास हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने का कार्य संपूर्ण देश में लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने ऊधम सिंह नगर जिले के किक्षा में एम्स की सैटेलाइट शाखा को स्वीकृति है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में किक्षा एम्स हेतु केंद्र को निःशुल्क जमीन देने की स्वीकृति बनी है। दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसके बावजूद राज्य सरकार इसे तीव्र गति के साथ कर रही है। उन्होंने एम्स ऋषिकेश से अन्य संस्थाओं व अस्पतालों के साथ समन्वय बनाकर लोगों की मदद एवं सेवा करने का आग्रह किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, ऋषिकेश मेयर श्रीमती अनिता मंगाई, एम्स कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट संजीव मित्तल, प्रोफेसर चतुर्वेदी, प्रोफेसर मनोज गुप्ता, अन्य लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट सर्वेश कुमार गंगवार।